जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं, राधा के बारे में सुनते हैं, यमुना का किनारा होता है, ग्वाला होते हैं, ये सब चीज़ें जब हम अपने जहन में आती है, उसके बाद तुरंत अगर कोई एक पेड़ का नाम आता है तो वो है कदम्ब। कदम्ब एक ऐसा पेड़ है जिस जो राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का साक्षी रहा है हमेशा। और यहाँ पर जो सीरीज़ मैंने की वो ये सोच के ही की कि राधा कृष्ण का जो एक जीवन रहा है, उनकी जो लीला रही है कृष्णा लीला, उसमें कदम्ब एक उसकी खुद की अगर एक बायोग्राफी लिखे तो उस बायोग्राफी में क्या आएगा, ये मैंने इमेजिन करके एक के बाद एक बहुत सारी पेंटिंग्स मैं एक साल से कर रहा था। और यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स है वो इस सीरीज़ के पार्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स में कृष्णा के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर मोर पीच है, पीकॉक है, काउज है, बहुत सारे ट्रीज है, और उसके साथ एक पेंटिंग जैसे कि इसमें है। तो मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि पेपर बोट क्यों किया इसमें राधा कृष्ण के साथ, तो मेरा आंसर ये था कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण की स्टोरी को ही बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका एक दोस्त होने के नाते जैसे कि मैं इनको एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम सिर्फ काइट के शौकीन क्यों हो, तुम पेपर बोट के शौकीन क्यों नहीं हो, तुम पेपर बोट को चला के भी देखो यमुना के अंदर तो आपको और मज़ा आएगा। तो एक सूफीज़म की जो बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फील होगी कि जैसे कि मैं खुद राधा कृष्ण के साथ बात कर रहा हूँ या एक दोस्ती बढ़ा रहा हूँ, एक दोस्त के नाते कुछ कह रहा हूँ, इस तरह की कुछ बात यहाँ पर प्रतीत होती है। तो इस तरह से कई सारे एलिमेंट जो मैंने डाले हैं वो सिर्फ अनुकरण नहीं, अनुसंधान है जैसे बोल सकते हैं हम।